بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلا टुडे विल स्टार्ट अ विजिट न्यू चैप्टर मैट्रिक इंग्लिश का और ये विजिट अ विजिट चैप्टर है लेट्स स्टार्ट मिस्टर अहमद क्लास हैड बीन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम मिस्टर अहमद क्लास ये एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है इसका मतलब मिस्टर अहमद की क्लास मिस्टर अहमद क्लास

The visit, यानी सफर का और वहां पे पहुंचने का विजिट करने का उस जगह का. Farm. किस जगह का farm का 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 किस होता है ना farm. Farm का जहां पर खेत वगैरह होते हैं और एक नेचुरल सा लाइफ स्टाइल होता है उसको फार्म कहते हैं विद मिस्टर हसन विद मिस्टर हसन कोई साहब है उनके साथ उन्होंने किया आगे कॉमा लगा के मिस्टर हसन की तफसील बताई हुई है द मैनेजर ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म तो मिस्टर हसन कौन थे मैनेजर थे किसके ऑफ द मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म मॉडल कहते हैं कोई भी नमूने के तौर पर बनाया जाए ना तो एक नमूने के तौर पर एग्रीकल्चरल फार्म बनाया हुआ था सही है जहां पे जमीने हो यानी जरात की गई हो एग्रीकल्चर किया गया हो सही है इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल वो एक खुशगवार दिन था ये एक खुशगवार दिन था प्लेजेंट डे खुशगवार दिन अप्रैल के महीने का when Mr. Ahmed and his class reached the model farm. Reached का मतलब होता है पहुंची When Mr. Ahmed and his class, जब Mr. Ahmad और उसकी class पहुंची reached पहुंची to uh, the model farm, जब model farm में पहुंची Mr. Hassan received them. Mr. Hassan जो है उन्होंने उनको receive किया मतलब दरवाजे पे जाके जो लेते नहीं है कि आइए खुश कहते हैं उसको कहते हैं receive करना सही है, so, Mr. Received them at the gate. Gate पर उन्होंने उनको receive किया and showed them around. Showed them around का मतलब ये होता है कि उनको घुमाया, uh, घुमाने को कहते हैं शोड देम अराउंड माय गेस्ट केम एंड टू माई हाउस एंड शोर्ट देम अराउंड इसका मतलब मेरे मेहमान आए थे और मैंने उनको पूरा घर दिखाया तो उसको कहते हैं शोड देम अराउंड समझ में आ रही है uh, मिस्टर उसामा समझ में आ रही है उसामा उसामा सुन रहे है? जी समझ में आ रहा है सही है The boys had no idea that an agricultural farm could be so large and interesting. अब इसको और से देखें. Boys, boys का मतलब लड़कों को.

जवाब आप भी म्यूट कर लें इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन ये जो था ये गंदुम की काश्त का मौसम था हार्वेस्टिंग कहते हैं काश्त को जब उगाई जाए वो सही है इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन द पार्टी सो अल ह्यूज मशीन कॉल्ड द कंबाइन वर्किंग इन द वास्ट वीट फील्ड पार्टी मतलब उन लोगों ने पार्टी कह रहे हैं उनको सौ सो कहते हैं देखने को देखा पास्ट में माजी में कोई चीज देखी हो तो उसको सौ कहेंगे अभी हाल में देख रहे हो तो सी कहेंगे एस डब्ल्यू सी पास्ट में देखा है तो पास्ट टेंस पास्ट इसका फॉर्म होता है एस ए डब्ल्यू सौ देखा दार्टी सौज ह्यूज कहते हैं बहुत बड़ा ह्यूज लार्ज भी बड़े को कहते हैं ह्यूज बहुत मतलब वो, 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 बड़े साइज की चीज को कहते हैं सही है huge machine, एक huge machine देखी कम्बाइन अब ये देखें इसका भी मतलब बड़ा है इसका भी मतलब बड़ा है अब ये आप पढ़ पढ़ के सीखेंगे कहां पे लार्ज लगाना है पे ह्यूज लगाना है सही है तो ह्यूज मशीन एक बड़ी मशीन देखी कॉल्ड द कम्बाइन ये जब भी लफ्ज यूज होता है ना कॉल्ड कॉल्ड का मतलब कहलाती है कहलाना कॉल कहलाना सही है कहलाती है कंबाइन वो क्या कहलाती है मशीन कंबाइन उसका नाम है मशीन का ये जो मशीन है ना इसका नाम क्या है कंबाइन खदीजा उसका क्या नाम है मशीन का वर्किंग इन द वास्ट कंबाइन गुड वर्किंग इन द वास्ट वीट फील्ड्स वो काम कर रही थी वसी uh, गंदुम की फील्ड में सही है कंबाइन वर्किंग इन द वास्ट वास्ट वीट फील्ड तो वो काम कर रही थी वसी वास्ट भी कहते हैं बहुत वसी वरीज वीट फील्ड का मतलब है गंदुम के खेत फील्ड बेटा किसको कहते हैं खेत को फील्ड कहते हैं खेत को फील्ड कहते हैं खेत को याद कर लो इसको फील्ड कहते हैं खेत को और वीट कहते हैं गंदुम 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 को गंदुम, सही है तो fields मतलब गंदुम के खेतों में काम कर रही थी वो मशीन का नाम है कंबाइन इट कट द क्रॉप एंड टाइड इन टू शीव इट कट्स द क्रॉप कट्स होगा सही है ये काटती है क्रॉप्स को क्रॉप को एंड टाइड इन टू और उसको बांध देती है शीव्स के अंदर बड़े बड़े बंडल होते हैं ना उसको शीव्स कहते हैं आपने खेतों में वीडियोस में और डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा ना बड़ी बड़ी मशीन होती है वो जब फसल में से गंदुम निकाल ली जाती है तो उसको काट के बड़े बड़े बंडल बना रही होती उसको शीव कहते हैं वेन वन स्वीप With one sweep, it seemed to eat up a a large area of the the golden crop, which came out tied into a bundle at the other end. ऐसा लगता था कि वो ईट कर रही है एक लार्ज एरिया ऑफ गोल्डन क्रॉप एक बहुत बड़ा एरिया गोल्डन क्रॉप का विच केम आउट जो केम आउट टाइड a बंडल जो निकलता था ये बंधा हुआ टाइड into a bundle मतलब केम आउट मतलब निकलता था टाइड into a bundle मतलब एक बंडल में बंधे हुई शकल में एक बंडल बने हुए tied मतलब होता है बांधना सो so, सही है टाइड into अ बंडल मतलब बंडल में बंधी हुई शकल में एट द अदर एंड दूसरे एंड से उस मशीन के निकलता था wheat देन वेंट into थ्रेसर which सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द शेफ सही है दीट जो भी गंदो उसमें उसे होता था वो जाता था थ्रेशर के अंदर इन्वर्टेड भी एक मशीन का नाम है ग्रेन जो दानों को अलग करती थी फ्रॉम दिलके से सही है फ्रॉम वन एंड ऑफ द मशीन फेल्डन ग्रेन गोल्डन रेन ऑफ स्वीट स्मेलिंग वीट

मतलब एक मीठी सी खुशबू वाला गंदम की एक बारिश सी हो रही थी गोल्डन कलर की गोल्डन कलर का होता है ना गंदम वायल जबकि वो उड़ रहा था एट द अदर एट द अदर मतलब एंड दूसरे कोने से सही है तो छिलका उड़ रहा था दूसरे कोने से द स्टूडेंट्स वॉच्ड स्टूडेंट्स ने देखा

कहा मिस्टर हसन ने क्या कहा अब में लिखे एंड थ्रशिंग द कॉर्न इज डन विद मशीन ऑन आर फार्म द होल प्रोसेस यानी कि सारा का सारा मरहला सारा का सारा अमल प्रोसेस कहते हैं पूरे अमल को सही है ऑफ प्लाईंग प्लाईंग का मतलब वो जो जमीन के अंदर हल चलाते हैं ना बैलों के जरिए या ट्रैक्टर के जरिए उसको नरम करते हैं उसको प्लाईंग कहते हैं सीडिंग का मतलब द, बीज का बोना हार्वेस्टिंग का मतलब उसका पूरी देखभाल करना उसको उगाना उसकी आ, मतलब पानी वानी डालना सब कुछ और उसको आ, सुंडी उंडी से बचाना एंड थ्रेशिंग थ्रेशिंग ये भी ऊपर आपको बताया थ्रेशर के अंदर जो जा रहा था ना जो शीव से अलग हो गई फसल और फिर उसका वीट अलग हो गया फिर वीट थ्रेशर में गया जिसमें से ग्रेन और शेफ अलग हो गया तो ये थ्रेसिंग का अमल था सही है एंड थ्रेशिंग द कॉर्न मतलब उसी दानों को थ्रेश करना इज डन वो किया जाता है विद मशीन्स मशीन्स के साथ मशीन्स यानी मशीन्स के जरिए ऑन आर फार्म हमारे फार्म पर सही है? वन मैन वर्किंग विद दिस मशीन वन मैन वर्किंग विद दिस मशीन एक आदमी जो काम कर रहा था इस मशीन के साथ काम करता है इस मशीन के साथ कैन डू एज मच वर्क एज वन हंड्रेड मैन वर्किंग विद आउट इट एक मैन ये देखें ये एम ए एन है खतीजा क्या लिखा है एम ए एन मैन सही है वन मैन एम ए एन मैन लिखा हुआ ये समझ में आ रही बात वन मैन ये एक आदमी है वर्किंग विद दिस मशीन जो इस मशीन के साथ काम कर रहा है कैन डू एज मच वर्क एज वन हंड्रेड मैन वर्किंग विदाउट इट ईसा ये क्या लिखा हुआ है एम ई एन मैन ईसा क्या लिखा हुआ है एम ई एन ये है वन हंड्रेड ये प्लोरल है देखो ये एम ई एन है एक आदमी के लिए एम ए एन होता है और एक से ज्यादा के, के लिए एक से ज्यादा के लिए एम ई एन होता है सही है आप म्यूट कर लें जवाब वर्किंग विदाउट इट सही है वन हंड्रेड मैन वर्किंग विदाउट इट अभी दस मिनट में खत्म हो जाएगा तो वी टू क्विकली फिनिश इट बिलाल सही है ये समझ में आ गया कि एक आदमी जो इस मशीन पे काम कर रहा है कैन डू एज मच कर सकता है इतना काम एज वन हंड्रेड एक सौ आदमियों जितना जो इस मशीन के वर्किंग विदाउट इट यानी काम कर रहे हो बगैर इस मशीन के यानी मशीन के साथ एक आदमी बगैर मशीन के एक सौ आदमी के बराबर सही है बिलाल वन ऑफ द स्टूडेंट्स अब बिलाल की तफसील लिखी है ब्रैकेट में यानी कि बिलाल जो कौन था उसकी आगे तफसील लिखी वन ऑफ द स्टूडेंट्स देखें ऐसे लिखते हैं तफसील अगर आपने तारुफ भी करा दिया बिलाल लिखा साथ में तारुफ भी करा दिया कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स अब देखिये मैंने बोला था ना जब भी वन ऑफ द आता है तो आगे प्लोरल आता है ईसा मैंने क्या कहा था जब भी वन ऑफ द ये आता है कि स्टूडेंट्स में से एक तो ये स्टूडेंट्स आ गया देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें से एक वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लोरल लगता है हमेशा जमा लगती है वन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में से एक जिसका नाम था बिलाल उसने क्या कहा देखे इन्वर्टेड कॉमा में उसका जुमला लिखा हुआ है सर डू यू गेट बिगर क्रॉप इन दिस वे क्या आपको बड़ी फसल मिलती है इस तरीके से अब मिस्टर हसन क्या कह रहा है ओ मच बिगर यानी वो कह रहा है ओ oh, बहुत ज्यादा वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूसेस 15 टू 25 क्विंटलस ऑफ व्हीट फॉर एवरी हेक्टर वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 टू 70 क्विंटलस सही है अब देखें यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है यूजुअली आमतौर पे इस निशान का मतलब ये होता है कि इसकी कहीं पे किताब में ना नीचे या ऊपर इसकी तफसील दी हुई होगी नहीं दी या दी हुई है पता नहीं नीचे जाके भी देखें तो नहीं इन्होंने शायद मिस कर दी है पता नहीं आलम लेकिन आमतौर पे जब ये निशान आता है तो इसकी तफसील आती है नीचे खैर बहार इन्होंने नहीं दी ये ये री सॉरी ये री क्विंटल 100 हंड्रेड किलोग्राम देखा मैं कह रहा था ना कि ये निशान दिया है ना इधर ये निशान दिया है ना तो इस निशान की यहाँ नीचे तफसील दी हुई है खतीजा समझ में आ रहा है जवाब आ रहा है समझ में क्विंटल का मतलब बताया भाई क्विंटल का क्या मतलब है 100 सौ किलो ग्राम एक किलो लाते हैं ना पांच किलो की बोरी लाते हैं या दस किलो की बोरी लाते हैं तो दस किलो की समझ लें दस बोरिया so, सही है? अब ये oh, कर आम आम प्रोड्यूस करता है यानी बनाता है प्रोड्यूस का मतलब है, बनाता है पंद्रह से बीस क्विंटल सही है ऑफ वीट फॉर एवरी हेक्टर हेक्टर मतलब एक एरिया का यूनिट है ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे सही है हर हेक्टर पे पंद्रह से बीस क्विंटल बनाता है ये बता रहा है कि वी प्रोड्यूस हम बनाते हैं मच मच टू हम 60 से 70 बना लेते हैं। सही है? बिलाल, उसने बोला ये तो बहुत उम्दा है लेकिन यकीनन मशीन जो है वो तो बीज नहीं बनाती ना तो मिस्टर हसन लाफिंग हसन जो है वो मुस्कुराए थोड़ा हा नो सर्टेनली नॉट नहीं यकीन नहीं मशीन नहीं बनाती वॉट इनफैक्ट है असल में होता है in fact, कहते हैं, असल में, happen का मतलब होता है इज के, के पहले फर्स्ट मशीन कॉल ट्रैक्टर्स सबसे पहले जो मशीन जिसे ट्रैक्टर कहते हैं प्लाउ डीपर प्लाव डीपर का मतलब वो Uh, खोती है मतलब उसको नरम करती है बहुत गहराई में देन उसके बाद दे प्रिपेयर द लैंड उसके बाद वो तैयार करते हैं जमीन फॉर सोइंग मच फास्टर सही है सोइंग का मतलब बोना सोइंग होता है बीज बीज बोना तेजी से द सोइंग मशीन सोस द सीड वेरी फास्ट सोइंग मशीन तेजी से सीड सो करती है

उसने कहा वी गेट अ लॉट ऑफ कैनाल वाटर हमें हासिल होता है गेट का मतलब लेना हासिल करना वी गेट अ लॉट ऑफ बहुत सारा कैनाल वाटर हमें मिलता है बट लेकिन वी आल्सो इरिगेट आर फील्ड्स हम उसके साथ साथ आल्सो अपने खेतों को पानी देते हैं अपने ही अब अप आर विद आर ओन ट्यूबवेल ओन कहते हैं अपने आर कहते हैं हमारे हमारे अपने ट्यूबवेल well से विच कैन सप्लाई जो सप्लाई कर सकता है वॉटर All the year round, यानी पूरा साल All the year round का मतलब होता है पूरा साल। Finally we spray insecticides. आखिर में हम स्प्रे करते हैं मच्छर और कीड़े मारने के लिए एंड harmful insects और जो क्या नाम है हार्मफुल कहते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक और खतरे वाले कीड़े होते हैं ना नुकसान पहुंचाने वाले harmful उसको कहते हैं नुकसानदेह इंसेक्ट कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए सो लिहाजा आर फार्मी टू फोर टाइमरी प्रोड्यूस करता है के बनाता है के पैदा करता है तीन से थ्री टू फोर टाइम्स तीन से चार गुना एज मच व्हीट इतना ज्यादा व्हीट पर हेक्टर एज एन ऑर्डिनरी फार्म डज ये तरीके कार है

power recording